इस बीच बांग्लादेश में कई राजनीतिक कैदियों के परिवार अब इस बात के इंतजार में हैं कि जेलों में बंद उनके रिश्तेदारों की जल्द रिहाई हो सके। इन लोगों को शेख हसीना सरकार में जेलों में बंद कर दिया गया था। ऐसे कई परिवार ढाका में सुरक्षा बलों के मुख्यालयों के बाहर जमा है। गिरफ्तार लोगों में शेख हसीना की विरोधी खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के सदस्य भी शामिल है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को कई सालों के हाउस अरेस्ट के बाद आज रिहा कर दिया गया। 78 साल की खालिदा जिया की तबीयत खराब है और 2018 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की सजा सुनाई गई थी। बांग्लादेश की राजनीति में दोनों चेहरे खालिदा जिया और शेख हसीना महिलाएं हैं और एक दूसरे की जमाने में दोस्त रही, लेकिन आज की तारीख में धुर विरोधी है और इनको बैटलिंग बेगम के नाम से भी जाना जाता है, यानी वो बेगम जो आपस में लड़ती रहती है। तब से अभी तक अभी जो खबर है खालिदा जिया के बारे में, वो 2018 से अपने घर में नज़रबंद है और उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है। आज वो रिहा हो गई और आने वाले दिनों में बांग्लादेश की सियासत को तय करने में उनकी भूमिका अहम होने वाली है, क्योंकि अंतरिम सरकार के फॉर्मेशन में उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आज जिन हाई प्रोफाइल लोगों को रिहा किया गया उनमें विपक्षी नेता और वकील अहमद बिन कासिम हैं, जो जमायत इस्लामी के मारे गए नेता मीर कासिम अली के बेटे हैं। ब्रिटेन में पढ़े लिखे अहमद बिन कासिम को अगस्त 2016 में अगवा कर लिया गया था। जमायत इस्लामी के बयान के मुताबिक 2016 में ही अगवा हुए पूर्व ब्रिगेडियर जनरल अबिदुल्लाह अमन आजमी को भी रिहा कर दिया गया है। उनके पिता गुलाम आजम, जो जमायत इस्लामी के पूर्व प्रमुख थे, उनकी 2014 में जेल में मौत हो गई थी। इस बीच बांग्लादेश की सेना के प्रमुख जनरल वकर उज जमा से मुलाकात के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 1 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी छात्रों को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। शेख हसीना पर आरोप लगता रहा कि उनके शासन में विपक्ष के हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, कईयों को मुठभेड़ में मार दिया गया और कई नेता कार्यकर्ता अगवा कर लिए गए, जिनके बाद उनका कुछ सुराग तक नहीं मिला। ह्यूमन राइट्स वॉच ने पिछले ही साल कहा था कि 2009 में हसीना के बांग्लादेश की सत्ता में आने के बाद से सुरक्षा बलों ने करीब 600 लोगों को अगवा किया, जिनमें 100 का क्या हुआ यह आज तक अता पता नहीं है। इस बीच बांग्लादेश में एक बड़ी चिंता ये भी बनी हुई है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था का अब क्या होगा। बांग्लादेश में कारोबार से जुड़े लोगों का अनुमान है कि हाल की हिंसा, कर्फ्यू और इंटरनेट ब्लैकआउट से वहाँ की अर्थव्यवस्था को करीब 10 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और निवेश के मामले में बांग्लादेश की छवि को बड़ा नुकसान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचा है। बांग्लादेश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, 17 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश की। 2009 में शेख हसीना के फिर सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की कायापलट हुई है। कभी गरीब देशों में गिने जाने वाला बांग्लादेश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया था। कई मानकों में बांग्लादेश भारत से भी आगे निकल गया था। बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई थी। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक बीते 20 साल में बांग्लादेश के 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। बांग्लादेश के इस विकास में सबसे ज़्यादा योगदान रहा वहाँ के कपड़ा उद्योग का। बांग्लादेश के कुल निर्यात का 83% अकेले कपड़ा उद्योग से होता है। पिछले ही साल बांग्लादेश ने 38 अरब डॉलर से ज़्यादा का कपड़ा निर्यात किया था। आज भी आप और मैं जो कपड़े पहनते हैं, अधिकतर कपड़े जो हम सो कॉल्ड ब्रांडेड कपड़े लेने की कोशिश करते हैं, वो मेड इन बांग्लादेश दिखाई दे सकते हैं अगर आप ध्यान से उनको देखेंगे। बांग्लादेश आज कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में दुनिया का एक बड़ा निर्यातक देश है, जहाँ से यूरोप, उत्तर अमेरिका और एशिया के तमाम देशों को कपड़े का निर्यात होता है। बल्कि ये भी माना जाता है कि बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग ने वहाँ की महिलाओं की स्थिति को सुधारने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। कपड़ा उद्योग से लाखों की तादाद में कुटीर उद्योग भी जुड़े हैं, जो बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी को रोजगार देते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से चल रहे हिंसा और आगजनी से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसके बाद कपड़ों से जुड़ी दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अपने कारोबार को लेकर काफ़ी चिंतित भी हैं। बांग्लादेश में अर्थव्यवस्था को लेकर क्या चिंता है, इस पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ हैं टेक्सटाइल क्षेत्र की कंपनी TMS फैशन के CEO संजीव वाधवा साहब। संजीव साहब, शुक्रिया NDTV इंडिया से बात करने के लिए।
पहला सवाल तो यही कि बांग्लादेश में कई गारमेंट फैक्ट्रियों के साथ आप काम करते रहे, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा उद्योग भी है, और दुनिया में बांग्लादेश ने एक क्षेत्र में अपनी खासी पहचान भी बना ली है कि टेक्सटाइल का मतलब बांग्लादेश। बांग्लादेश में ताज़ा स्थिरता के दौर में वहाँ की अर्थव्यवस्था और ख़ासतौर पर गारमेंट उद्योग पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, जो लास्ट 2 हफ्ते में हो रहा था, ये मैटर ऑफ बहुत कंसर्न था सभी बायर्स रिटेलर्स, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्री है, एक्सपोर्टर है बांग्लादेश, नंबर 2 इन द वर्ल्ड है, तो सभी अपैरल इंडस्ट्री वाले बांग्लादेश पे डिपेंडेंट है। तो लास्ट 2 हफ्ते में जो एक्टिविटी हुई है वो बड़ी मैटर ऑफ कंसर्न थी और सब वरिड थे। और बट अब दूसरी बात यह है कि ये प्रॉब्लम थोड़ी जल्दी ही सॉल्व हो गई, जितना लोगों ने सोचा नहीं था। सॉल्व मतलब कि इस एटलीस्ट वो डिमांड्स मीट हो गई हैं, और अभी हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि ये दोबारा से स्टार्ट होने के टाइम आ गया है कि अभी ये दोबारा से काम स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो ऐसे लग रहा था कि ये जो एक्टिविटी है बहुत लंबी प्रोलॉन्ग होगी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आएगा बांग्लादेश, क्योंकि सब कुछ रुका हुआ था। अभी भी लास्ट 2-3 से फैक्ट्रियां रुकी हुई हैं, आज थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, ऑफिसेज खुल रहे हैं, तो हमें लगता है कि थोड़े दिनों के बाद ये स्थिति ठीक हो जाएगी। और बट फिर भी बायर्स को बहुत बड़ा कंसर्न है कि आगे कैसे होगा। शॉर्ट टर्म तो प्रॉब्लम हुई है, लॉन्ग टर्म का देखना पड़ेगा, क्योंकि हर बायर हर रिटेलर के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। आज $60 बिलियन का वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और छोटा सा कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट करना उनके लिए बहुत ही, उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस लेवल पे पहुंचने के लिए। और मुझे लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी, कोई भी लीडर आएगा, उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी कि इस इंडस्ट्री को वो कैसे बचा के रखें और कस्टमर को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, गुड्स टाइम पे जाएं। इसलिए इसका इसका तो बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, और अभी तो मुझे लगता है कि वर्स्ट इज ओवर। दीप जी, आप रहिए मेरे साथ, और खास मेहमान भी जुड़कर उनका भी परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ सैयद मुनीर खसरू साहब जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन आईपैग हैं, इस वक्त सीधे हमारे साथ बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं, एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है। थैंक यू खसरू साहब फॉर बींग विद अस। जनरल सैयद अता हसनैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अरिजीत सेन मेरे साथ जुड़ गए, प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन लेट मी कम्पीट विद दिस शॉर्ट चैट वाधवा साहब के साथ, तो फिर मैं आप तीनों के पास आता हूँ विद ड्यू परमिशन फ्रॉम माय साइड। वाधवा साहब, बांग्लादेश और भारत के बीच काफ़ी ज़्यादा व्यापारिक संबंध है, काफ़ी ज़्यादा कारोबार होता है, आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? जिस तरह की हिंसा बांग्लादेश में हो रही है, जो अस्थिरता दिखाई दे रही थी, वो भारत पर इसका क्या असर डाल सकती है व्यापार के संबंध में खासतौर पर? सी, भारत के लिए जो करंट गवर्नमेंट थी, जो पहले अभी नहीं रही हसीना, वो बहुत ही सपोर्टिव थे। उस चक्कर में हमारा बिजनेस तो बहुत डेवलप हुआ, हमारे रिलेशन भी बड़े इस्टेब्लिश हुए। अब नई गवर्नमेंट का एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो भारत के लिए मेरे को नहीं लगता कि ये अच्छा अच्छी सिचुएशन रहेगी। ऑल डिपेंड्स कि नई गवर्नमेंट आएगी वो कैसे रिलेशनशिप बनाएगी और व्यापार में कैसे उसी लेवल पे व्यापार होगा। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म तो डेफिनेटली इस व्यापार पे ज़रूर प्रॉब्लम आएगी, जो इंडिया का और बांग्लादेश का आपस में जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है उसमें तो इफेक्ट आएगा ही आएगा, मुझे लगता है फॉर शॉर्ट टर्म। आपको क्या लगता है कि इस अस्थिरता के कारण, इस टर्बुलेंस के कारण उन पर क्या असर पड़ने वाला है? सी, आप देखो, पहले 20 साल से ये इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई है बांग्लादेश में। 20 साल पहले लोग सिर्फ जाते थे चीप लेबर के लिए, कि भाई लेबर अबंडेंस में है, सस्ते से गारमेंट बन जाएगा, और सारे जो रिटेलर, जो चीप रिटेलर्स थे, जो जिनका रिटेल प्राइसेस बहुत कम होते थे, वही जाते थे बांग्लादेश में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टनटी रहती थी। बट 20 साल में इन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया, अब इतनी ज़्यादा उनकी स्किल डेवलप हो गई है, बड़ा से बड़ा ब्रांड भी अब बांग्लादेश में गारमेंट बनवा रहा है, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं रही हैं। आज आप उनको कहो ना कि आप इधर उधर कहाँ पे बनाओगे, वो कहेंगे चलो हम इंडिया पे जा सकते हैं, बट वो चीज़ उनको कहीं नहीं मिल सकती जो बांग्लादेश में मिल रही है। और इसमें आप जैसे आपने बोला, बहुत सारी वुमेन एम्प्लॉयड हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी, जो जैसे मैंने पहले भी बोला, कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो इसका ज़रूर ध्यान रखेगी। और अगर इस इंडस्ट्री को कुछ होता है तो पूरे कंट्री को बहुत बड़ा नुकसान है, और सारी एम्प्लॉयमेंट इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी उनकी ग्रोथ ही इसके ऊपर है, GDP डिपेंडेंट ऑन अपैरल इंडस्ट्री। तो इसलिए मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म ही प्रॉब्लम रहेगी, इस पर बड़ा ध्यान दिया जाएगा, और ये
अभी तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी वो 60 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप कंट्रीज हैं जैसे इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, तो इनके साथ जैसे ऐसा अगर उनका पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो वो तो और भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो जी लगता है कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम रहेगी, लॉन्ग टर्म में तो बहुत ध्यान रखा जाएगा। और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत हुई है, वहाँ के लोगों ने इस इंडस्ट्री पे बहुत इन्वेस्ट किया है, वहाँ के जो लोकल बिजनेसेस हैं उन्होंने बहुत डेवलप किया इस इंडस्ट्री को, तो वो ध्यान तो देंगे इसके ऊपर कि भाई आगे इसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए। जी